करो ऑफर करो। हेलो अर्चना जी, अरबाज भाई। अर्चना जी सॉरी, मैं कल रात का आपका फोन नहीं उठाया। ओके, आप मेरे को फोन करके क्या बोलेंगे मेरे को मालूम है। सिद्धार्थ, मेरा 10 रुपए का छोटा रिचार्ज कर देना प्लीज। पैसे मैं अगले शूटिंग में दे दूंगी। नहीं, पैसे 10 रुपए का मेरे को कोई पड़ी नहीं ली, लेकिन आते ही 9 नंबर ही देती इधर मेरे को। नहीं नहीं, पैसा भी नहीं चाहिए मेरे को, नंबर विंबर कुछ नहीं चाहिए, सीधा मेरा 150 रुपए मेरे को दे दो। अभी मैं मूर्तिकार बना हूं मालूम मेरे को, मेरे पैर भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, सोता हूं तो डब्लू हो जाता है ये। अर्चना सच्ची बोलता है, कंट्रोल मैं बोलता हूँ आपको और पैर किधर निकल ही जाते हैं। इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो इधर जाते हैं, इसके बारे में बात करें देखो अभी इधर क्या है। श्रुति, 4 बज गए, नींद में हो, उठ जाओ। अच्छा मैं आया हूँ, कुछ मूर्ति की मरम्मत करनी है। अरे नाक पे हथौड़ा मार दो, ठीक हो जाएगी। नहीं चलना, चल भाई चल भाई, अपने को कुछ नहीं, चल चल उधर चल उधर चल उधर चल। अर्चना जी मेरे को ना 2 मस्त मूर्तियां मिली है, उनको मरम्मत करनी है मेरे को, लेकिन मेरा हथौड़ा मेरे को नहीं मिल रहा है। किधर है मेरा हथौड़ा, किधर है? मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अरे वेनिला आइसक्रीम और चॉकलेट ब्राउनी एक साथ। इन दोनों को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है प्राचीन काल की जो प्रेग्नेंट औरतें रहेंगी ना, वो ऐसी रहेंगी। ए, मैं मर्द हूँ, मर्द औरत नहीं। मर्द है तो मैं टॉम क्रूज हूँ। हाय। मर्द मर्द, लेकिन मर्द है लेकिन औरत से सेक्सी ज्यादा तू ही लग रहा है। ये कौन सा मनुष्य है, ऐसी भाषा में वार्तालाप क्यों कर रहा है? इसे पता नहीं हम प्राचीन मूर्तियां हैं। ए प्राचीन मूर्ति, मैं भी खेरा खेरा नत्थू खेरा नहीं हूँ, मैं बड़ा मूर्तिकार हूँ, बहुत बड़ा। मालूम है मैंने अर्चना जी की मूर्ति बनाई है। अच्छा किधर है किधर है किधर है? इधर खड़ा रह, चुपचाप। किधर है किधर है? वो क्या है, मेरे गोडाउन में जगह नहीं ना, तो मैंने मुंबई के बाहर भेज दिए। पता नहीं लोग उसको लोनावला का पहाड़ क्यों बोलने लगे आजकल। लेकिन मैं मूर्तिकार हूँ तो मेरे को तुम्हारी ऐसा निरीक्षण करना पड़ेगा, तुम लोग को क्या क्या है। अरे देखो मेरी पार की नजर से कोई नहीं बच सकता, ये देखो तुम्हारे में फॉल्ट है, अब ये ठीक करना पड़ेगा मेरे को। सॉरी तेरे को लगा क्या? अरे वो भी तेरा आटा बहुत भार आ गया, ये देखो थोड़ा मारना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। देखो 2 ठोकड़ा मारा, तेरा पेट अंदर, तू बन गया सुंदर। अच्छा 2 जरा अपने चेहरे पे भी मार ले, इसको भी सुंदर बना ले फिर। ए तुम लोग को इतना गुस्सा क्यों रे, मैं तुम लोग को इतना हैंडसम बनाया? अरे तो गुस्सा तो आएगा ही ना, आएगा ना गुस्सा, 3000 साल से हम लोग ऐसे ही खड़े हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। लेकिन ठीक है ना मेरी तरफ नहीं ना, मैं साला ऐसे खड़ा रहता हूँ 2-2 दिन में मेरे पैर हिलने लगते हैं। लोगों को लगता है कि अच्छा डांस कर रहा है यार, मैं बहुत अच्छा डांस कर रहा है, ऐसे खड़े खड़े मैंने 3-3 डांस कॉम्पिटिशन जीत लिए मालूम है तेरे को। अरे ये तो अच्छी बात है। अरे काहे का अच्छी बात है, मोहल्ले में मौत हो गई, मैं जाके खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद पैर हिलने लगे, लोगों को लगा मैं नाच रहा हूँ, जिसका बाप मरा था वो मेरे पास आया, साला मेरा बाप मर रहा है तू नाच रहा है, ऐसा मारा मेरे को ऐसा मारा। तुम लोग को मालूम है मेरे के स्टेप अभी भी सूजे हुए मालूम तुम लोग को? Thank God हमारे पैर ऐसे नहीं है। ए मेरे पैरों के बारे में कुछ बोलने का नहीं, समझा ना? लोग हाथों से शत्रु की एक्टिंग करते हैं, मैं पैरों से करता हूँ, ढाचका 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 देखता का ढाचका। ए इतनी भी कोई अच्छी बात नहीं है, 3000 सालों से ऐसे ही खड़े हैं हम लोग। और क्या, नहीं तो कितनी कड़ी धूप, कितनी बरसात, और ऊपर से चिड़िया ने बीट भी कर दी। चलो मैं साफ करता हूँ बीट की। लो अब गोबर बीट साफ करेगा। साफ करा साफ करा। अरे पहले बीट इतनी गंदी नहीं थी, तूने हाथ लगा के ज्यादा गंदी कर दी। कैसा आदमी है ये, इससे बेहतर तो हमारे 3000 साल पहले के आदि मानव हुआ करते थे। अरे उनसे तो डेवलप होके हम आए हैं क्यों? अरे कहाँ डेवलप हुए हो, अभी भी आदि मानव ही हो। कैसे कैसे क्या क्या होता है तुम्हारे युग में? अरे पिज्जा पहले आता है, एम्बुलेंस बाद में आती है। गाड़ी का लोन लेने जाओ तो 7%, पढ़ाई का लेने जाओ तो 12%। ओलंपिक में जो शूटर गोल्ड मेडल लेके आता है गोली चलाकर, उसे सरकार क्या देती है? 3 करोड़ रुपए। और जो सोल्जर बॉर्डर पे सीने पे गोली खाता है उसको सरकार क्या देती है? 1 लाख रुपया। इधर मेरे बॉडी में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। 30 एपिसोड की हंसी भुलवा दी अर्चना जी को इतना सटायर मार के। मेरे को नहीं रहना तुम लोग के साथ, मैं जा रहा है सीधे पैर से, मेरे को नहीं रहने का, जाओ। अच्छा हुआ चला गया। पत्थरू हम ये कैसे युग में आ गए, कैसे लोग हैं ये? हाँ हाँ हमें नहीं रहना ऐसे युग में।
अरे कुछ दिनों पहले मेरी नीलामी करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ? तो कालिया वो आया था मुझे खरीदने। मैंने उसे समझाया कि मुझे खरीदने का कोई फायदा नहीं, मैं पत्थर का हूँ। अरे मेरी तो ईंट से ईंट बजा दी उसने। तुम्हें पता है दूसरी बार जब नीलामी हुई तो कौन आया था? कौन? अर्चना पूरन सिंह। जब हमारी नीलामी शुरू हुई, बोली लगने लगी 2 करोड़ 3 करोड़, तो कहने लगी, माँ कसम इन मूर्तियों में इतना पैसा है, आटा मल के हमारे साथ खड़ी हो गई ऐसे। देखो इन लोगों में कोई भी इमोशनल नहीं है। आओ हम प्यार करें और हमारे छोटे छोटे कंकर होंगे। उन कंकरों का नाम होगा चिंटू पिंटू टिंटू और हम उनके होंगे मम्मी और पापा। हेलो 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 श्रुति डार्लिंग, हेलो हेलो श्रुति, मैं तेरा बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नाक थोड़ा ऊपर करो, सैटेलाइट पकड़ लेगा नेटवर्क। हेलो हाँ हेलो, कैसे हो? जल्दी आ जाओ डार्लिंग, किधर है तुम? कितना रहा देख रहा है मैं, 4 बज गए, किधर है? आ जाओ जल्दी, आ जाओ, मैं इधर मस्त स्पॉट है, आ जाओ जल्दी। अरे मेरी हीरोइन आ रही है, अभी मैं इस मूर्तियों के सामने उनके पीछे जाके उनसे प्यार करूंगा। मेरी श्रुति के नाक से मैं खेलूंगा, उसके नाक को ऐसे देखूंगा और गाना गाऊंगा, नाक से तेरी नाक मिली तो मुझे बास आई, मुझे बास आई। यार सच्ची में इतना बास आ रहा है, मुझे बास किधर आई? अरे सच्ची में बहुत बास आ रही है, लगता है 3 साल बाद मुझे पानी से नहाना पड़ेगा। श्रुति जल्दी आ जाओ डार्लिंग, कितना रहा देखूं। मेरी डार्लिंग को खुश करने के लिए मैं क्या करूं? मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ, दांत से लिखूं? नहीं दांत से नहीं, खून आएगा। मैं लिखता हूँ श्रुति, श्रुति लव सिद्धार्थ जादव की जादव जादव इधर लिखो, जादव जादव जा लिख गया। डार्लिंग जल्दी आओ, तुम्हारे लिए नाम भी लिखा है मैंने। हेलो डार्लिंग किधर है? नहीं आ रही तुम, तुम्हें दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया है, मेरे को छोड़ दिया तुमने, ऐसा कैसे? अरे किधर सुंदर है तुम, क्या है का सुंदर है तुम? मैं बहुत हैंडसम है, तू सुंदर नहीं है? 5-5 लोगों का ऑक्सीजन एक साथ नाक से खुचने वाली तुम, जा भुला दिया तेरे को, मत आ मेरे लाइफ में। Why did you break my heart? Why did you go पत्थरू अवे? ये कैसे लोग हैं, एक पल में किसी का भी दिल तोड़ देते हैं। वैसे तो पत्थर के हम हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स एकदम पत्थर की है। पत्थरू मैं भगवान से कहती थी कि मुझे इंसान बनना है, लेकिन अब मैं भगवान से ये नहीं कहती कि मुझे इंसान बनना है। हे भगवान हम दोनों को हमेशा पत्थर ही रखना। हाँ। ताकि हम प्यार में डूबे रहें और हमारे छोटे छोटे कंकरू हो।